हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में L&T इन्फोटेक के बारे में, जो कि 4000 रुपये के आसपास ट्रेडिंग करता हुआ देखने को मिला है। तो आज दोस्तों हम लोग ये बात करेंगे कि जो भी निवेशक इसमें ऊपरी स्तरों पर फंस गए हैं, जो कि तकरीबन 4500 का स्तर था, उसके बाद इस शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और अभी ये 4000 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, तो ऊपरी स्तरों से 10% की इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो हम लोग क्या करें, जो भी निवेशक ऊपरी स्तरों पर फंस गए हैं, क्या इस स्टॉक को बेच करके निकल जाए या इस स्टॉक में बने रहें, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा कि जो इनके Q4 के रिजल्ट रहेंगे और एनुअल रिजल्ट रहेंगे, जो कि अप्रैल महीने में हम लोग को देखने को मिलेंगे, वो कैसे रह सकते हैं, इस पर सारी बातें निर्भर करेंगी। सारी जो इनके प्राइस मूवमेंट रहेंगे वो इस बात पर निर्भर रहेंगे कि इसके एनुअल रिजल्ट अगर अच्छे रहे तो इस स्टॉक में इन स्तरों से भी काफ़ी तेजी बनते हुए देखने को मिलेगी, अन्यथा ये स्टॉक नीचे की ओर लुढ़क जाएगा। तो हम लोग कैसे जाने दोस्तों कि इसमें क्या हो सकता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, 3 क्वार्टर के रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, 1 क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है। तो इस वीडियो में हम लोग इसके एस्टिमेट को लगाएंगे कि इनके जो एनुअल रिजल्ट रहेंगे वो कैसे देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी करके और फंडामेंटल के अनुसार भी हम लोग इसके प्राइस टारगेट को लगाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर इसके चार्ट को देखा जाए ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए, इस जगह पर ये कंसोलिडेशन में था, उसके बाद इसमें उछाल देखने को मिला, फिर इस जगह पर ये स्टॉक जो है कंसोलिडेट किया, फिर इसमें उछाल देखने को मिला, फिर यहाँ पर देखिए ये कंसोलिडेट किया, फिर इसमें तेजी बनी, फिर देखिए यहाँ पर ये कंसोलिडेट किया, फिर इसमें वापस तेजी बनी, अब इस जगह में ये वापस कंसोलिडेट कर रहा है। तो क्या हम लोग ये समझें कि यहाँ से वापस तेजी आएगी या फिर ये स्टॉक इन स्तरों से लुढ़क जाएगा? इसके लिए दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया कि इसके जो एस्टिमेट्स लगाने होंगे कि इनके एनुअल रिजल्ट कैसे देखने को मिल सकते हैं, तो उसके अनुसार ही हम लोग कुछ कह पाएंगे कि इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों, इसके लिए हम लोग इसके फाइनेंशियल ओवरव्यू को चेक करते हैं LTI के, कि इनके फाइनेंशियल कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट कैप की बात करें तो ये 70,000 करोड़ की कंपनी है और रिटर्न ऑन इक्विटी 29.5%, जो कि काफी बेहतरीन है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40.4%, जो कि और भी बेहतरीन है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात की जाए तो 30.6 times देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा है। और डेट इक्विटी 0.14 times, ये काफी अच्छा है। प्रमोटर्स होल्डिंग काफी हेल्दी 74.3%, डिविडेंड यील्ड 0.69%, काफी अच्छा है। तो कुल मिला के हम लोग बोल सकते हैं कि LTI के जो फिनेंशियल हैं वो काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोगों को इसके फंडामेंटल भी काफी अच्छे देखने को मिलेंगे, फिर भी हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि इनके पास्ट के रिजल्ट कैसे आए हैं और क्यों ये स्टॉक इतना बुलिश फेज में चलता है। तो यहाँ इनके सेल्स फिगर को देखा जाए दोस्तों, FY12 से FY20 तक के, ये देखिए लगातार इनके सेल्स फिगर बढ़ रहे हैं। देखिए, कहीं भी इसमें कभी भी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। अब आइए दोस्तों, नेट प्रॉफिट की बात करें सेम पीरियड में, तो यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट में भी लगातार इनके वृद्धि देखने को मिल रही है, कभी भी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। और इंटरेस्ट बर्डन भी देखा जाए दोस्तों, ये भी काफी हेल्दी लेवल पर मेंटेन है। तो हम लोग कुल मिला कह सकते हैं कि LTI के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं और इसी वजह से इसने अपने निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है अभी तक। जैसा कि हम लोग ग्राफ में भी देख रहे हैं, इसमें लगातार रैली बनी हुई है। अब सिर्फ हम लोगों को ये जानना है कि 4000 के स्तर से ये शेयर ऊपर जाने की क्षमता रखता है या नहीं, इसका इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होना चाहिए, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग टेक्निकल चार्ट पर आएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हम लोगों ने इनके जो रिजल्ट आए हैं, क्वार्टरली रिजल्ट और एनुअल रिजल्ट, उसको हम लोगों ने एक एक्सेल शीट में एकोमोडेट किया है और उस एक्सेल शीट को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये देखिए, जो अभी हम लोगों ने दोस्तों रिजल्ट देखा था, वो सारे के सारे एनुअल रिजल्ट और क्वार्टरली रिजल्ट इस एक्सेल शीट में हम लोगों ने एकोमोडेट कर लिया है। और चूंकि 3 क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं दोस्तों, तो हम लोगों ने 9 month यहाँ पर रिजल्ट लिया है और FY20 के जो इनके रिजल्ट रहे थे नतीजे,
उसको भी हम लोगों ने एकोमोडेट किया है, और हम लोग अचीवमेंट कैलकुलेट करेंगे कि तीन क्वार्टर में इसने अभी तक FY20 के रेस्पेक्ट में कितना अचीव कर लिया है रेवेन्यू, प्रॉफिट और EPS, और हम लोग उसके अनुसार एस्टीमेट लगाएंगे कि FY21 जो कि ये अप्रैल महीने में लेकर के आएगी रिजल्ट, उसके एस्टीमेट्स क्या हो सकते हैं, उसके अनुसार हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस की कैलकुलेशन करेंगे। तो ये पिछले तीन क्वार्टर में LTI ने तकरीबन, ये देखिए यहाँ पर ये 9100 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट की है, जबकि प्रॉफिट इनका पिछले तीन क्वार्टर में 1390 करोड़ देखने को मिल रहा है, और EPS इन्होंने अभी तक लगभग 80 का EPS रिपोर्ट कर दिया है तीन क्वार्टर में। और अगर हम लोग कंपेयर करें FY20 से, तो इनका जो अचीवमेंट देखने को मिल रहा है रेवेन्यू फ्रंट में, ये तकरीबन 84% का अचीवमेंट कर चुकी है, प्रॉफिट फ्रंट पर ये लगभग 91% अचीव कर चुकी है, और EPS फ्रंट पर ये 91% का अचीवमेंट LTI ने कर लिया है, जबकि एक क्वार्टर के रिजल्ट दोस्तों अभी आने बाकी हैं। इसके अनुसार अगर हम लोग एस्टीमेट लगाएं यहाँ पर, तो FY21 में जो इनका टोटल रेवेन्यू रह सकता है वो तकरीबन 12,133 करोड़ रह सकता है, जबकि प्रॉफिट इनका 1854 करोड़ रह सकता है, और EPS जो ये फुल ईयर में रिपोर्ट करेगी वो तकरीबन 106.29 रुपीज देखने को मिल सकता है। तो इस आधार पर दोस्तों अगर हम लोग फंडामेंटली इसके इंट्रेंसिक वैल्यू को समझने की कोशिश करें, तो इसका जो मैक्सिमम प्राइस निकल के आ रहा है वो 4783 यानी 4783 रुपीज देखने को मिल सकता है इनके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद, और जो मिनिमम प्राइस होगा दोस्तों वो 2125 देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि स्टॉक जो है काफी बुलिश फेज में है, और IT कंपनियां लगातार अच्छा रिजल्ट प्रस्तुत कर रही है, तो ये मिनिमम प्राइस जो 2125 का है ये हम लोगों को फिलहाल देखने को नहीं मिल सकता है, लेकिन हम लोगों को ये जो स्तर है दोस्तों 4783 ये अवश्य देखने को मिल सकता है, ऐसा इसके जो अभी तक के रिजल्ट हैं दोस्तों उसके अनुसार हम लोग ये कह पा रहे हैं। अब आइए चलते हैं टेक्निकल चार्ट क्या बोल रहे हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि टेक्निकल चार्ट पर क्या स्थिति बन रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोस्तों ढेर सारे इंडिकेटर लगा के रखे हैं, ये इनका 50 EMA का ग्राफ है, येल्लो वाली लाइन 100 EMA का ग्राफ है, रेड वाली लाइन 200 EMA का ग्राफ है, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इतने गिरावट के बावजूद LTI का स्टॉक प्राइस अपने तीनों ही इंडिकेटर से काफी ऊपर जाकर के ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, और जिस प्रकार से इनके नतीजे जो हैं काफी अच्छे आए हैं दोस्तों, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस स्तर पर ये अभी कंसोलिडेट करेगा, और जैसा कि हम लोगों ने एस्टिमेट लगाया कि इनके जो रिजल्ट हैं FY21 के वो शानदार देखने को मिल सकते हैं, तो हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि ये स्टॉक इन स्तरों से ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करेगा, ये नीचे नहीं गिर सकता है, ऐसा हम लोग पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि ऊपर कहाँ तक जा सकता है, तो हम लोगों ने कुछ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी खींच के रखे हैं, तो जो टारगेट मिल रहा है टेक्निकल टारगेट वो तकरीबन 4937 का देखने को मिल रहा है LTI के स्टॉक में, और जैसा कि दोस्तों अभी हम लोगों ने फंडामेंटली इसके इंट्रेंसिक वैल्यू को समझने की कोशिश की थी, उस हिसाब से इस स्टॉक का प्राइस 4783 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि फंडामेंटली भी ये तकरीबन 4800 के आसपास आ रहा है, और टेक्निकली हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये 4900 के आसपास इनका लेवल देखने को मिल रहा है, तो दोनों ही हिसाब से फंडामेंटली और टेक्निकल इस स्टॉक में जो आने वाले दिनों में हम लोग 4800 का स्तर अवश्य देख पाएंगे, ऐसा इसके फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने मेरे वीडियो को अभी तक वॉच किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, और इंटरेस्टिंग लगे तो आप लाइक करना ना भूलें, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, मैं आपके लिए लगातार एक लेमैन की भाषा में शेयर रिलेटेड जानकारी लेकर के आ रहा हूँ, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को मैं नमस्कार।